देखो दोस्तों, यह है आज हम MID की बात करने वाले हैं। MID में फ्यूल एफिशिएंसी की जो स्क्रीन्स आती हैं, जैसे कि आप 78 किलोमीटर जो नीचे रेंज देख रहे हो, वो बता रहा है कि अभी इस कार में जितना फ्यूल है उसमें 78 किलोमीटर ही और चल जाएगी। और सबसे शानदार बात यह है कि उसके जस्ट ऊपर आप देखोगे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, जिसको अभी हमने रीसेट किया है, और रीसेट के बाद ये 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखा रही है, यानी 50 की एवरेज भी दे सकते हैं अगर हम इतना स्लाइटली एक्सेलेरेशन के साथ तकरीबन 70-60 की स्पीड पे अगर चलते रहें, 50-60 की स्पीड पे चलते रहें। सो देखिए कितना शानदार माइलेज दिखा रही है, और अभी ये तकरीबन 45 है। और ऊपर जो इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी है, जो ग्रीन कलर का आपको मीटर दिख रहा है, वो है इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, या इंस्टेनियस फ्यूल एफिशिएंसी भी कहते हैं। और ये आपको बताता है कि जितने RPM पे आप गाड़ी चला रहे हो, जितना आपने एक्सेलेरेटर पेडल प्रेस किया हुआ है, उस हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। सो क्योंकि अभी हमने रीसेट किया था और उसके बाद स्लो स्पीड पे चल रहे हैं, तो अभी भी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी दिखा रही है। थोड़ी देर बाद हम फिर देखेंगे कि हम लगातार जब 70-80-90 की स्पीड पे चलते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी कितनी आती है और कितने तक कटती है। अब ये है, एक बार स्टिक प्रेस की तो नेक्स्ट मीटर आ गया है, और ये MID में बता रहा है हमें इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अभी करंट में कितनी है। लास्ट 5 मिनट्स में तकरीबन हमें 20-21 के करीब एवरेज मिली है, और पिछले 10 मिनट पहले जब हम थोड़ा तेज चला रहे थे तो तब 19 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी थी। अब एक बार स्टिक को फिर से प्रेस करेंगे तो ये हमें बता रहा है यहाँ पर एवरेज किलोमीटर पर आर स्पीड कितनी चल रही है। जैसे अभी हमने यहाँ 70 सेट कर रखा है हाई स्पीड को, तो 70 पे आते ही बार बार ये वार्निंग देती है। और ये देखिए, ये हमारी एवरेज स्पीड अभी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी कम है, पर पिछले 5 मिनट में हमारी एवरेज स्पीड तकरीबन 70 के आसपास थी, और उससे पहले जो हमारी एवरेज स्पीड थी वो 60 के आसपास थी। उसके नीचे ये ड्राइविंग टाइम बता रहा है कि इंजन का ड्राइविंग टाइमिंग ओवरऑल कितना है। अभी हम इसको लॉन्ग प्रेस करके, मैक्सिमम हो चुका है तो लॉन्ग प्रेस कीजिए, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ड्राइविंग टाइम जीरो हो जाएगा। अभी फिर से ड्राइविंग टाइम को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा कि इंजन कितने टाइम पे चल रहा है। फिर से एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फिर देखिए जीरो हो गया। अब एक बार सिंगल प्रेस करेंगे, ये बता रहा है आइडल स्टॉप स्टार्ट टाइम, कि गाड़ी जो आइडल स्टॉप स्टार्ट पर रुकती है, अगर कहीं पर हम रोकते हैं और गाड़ी अपने आप बंद होती है जब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस वक्त वो कितने टाइम बंद रही है और उसके साथ उसमें कितना फ्यूल बचा है। तो ये 503 ml का फ्यूल अब तक बचा चुकी है। एक बार और सिंगल प्रेस करेंगे तो ये डिजिटल क्लॉक आ गया है जो एनालॉग वे में दिखा रहा है। फिर से नेक्स्ट प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये इसके बारे में सब लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये किस चीज़ का इंडिकेशन है। तो ये मोशन स्क्रीन है, ये उसी कार में मिलेगा जिसमें ESP होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। और ये जो बॉल है, ये आपको कार की ओवरऑल स्टेबिलिटी बता रहा है। जैसे अभी कार एकदम स्टेबल चल रही है तो ये बॉल नहीं हिल रही है, यहीं पे आप एकदम से तेज एक्सीलेट कीजिए तो ये देखिए बॉल पीछे की तरफ जानी शुरू हो गई, और तेज कीजिए, स्पीड का क्या घटेगा। हाँ, ये देखिए बॉल पीछे की तरफ जा रही है, एकदम से थोड़ा कट मारी है गाड़ी को हल्का सा, ये देखिए ये बॉल हिलनी शुरू हो गई है। तो ये इस तरह से स्टेबिलिटी को बताता है। और जैसे ही उसके बाद आप गाड़ी को रोकते हो तो रोकने के बाद ये ग्राफ भी बना के दिखाता है कि आपकी स्टेबिलिटी कैसी रही है। नेक्स्ट प्रेस करेंगे, ये है इंजन के पावर एंड टॉर्क, कि अब इंजन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है और कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आप डिजिटल वे में इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रेस करेंगे, ये है देखिए एक्सेलेरेशन और ब्रेकिंग स्क्रीन, ये क्योंकि हमने 70 की हाई स्पीड सेट कर रखी है इसके MID में, तो ये बार बार 70 पर आते इंडिकेशन दे देता है। अभी देखिए एक्सेलेरेशन एकदम लाइटली चल रहा है, जितना लाइट एक्सेलेरेशन चलेगा फ्यूल एफिशिएंसी उतनी हार्ड आएगी। देख रहे हैं जो बार्स है वो जितनी कम जा रही है, कितनी लाइट एक्सेलेरेशन है, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। यहीं पर अब ये ब्रेक आ रही है, ब्रेक लगाएंगे, ये देखिए ब्रेक और एक्सेलेरेशन की जो स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हो कि अभी थोड़ा बार्स लंबी चौड़ी आ रही हैं, तो इसका मतलब अगर हार्ड एक्सेलेरेट करेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी कम आएगी। अब हल्का ब्रेक करेंगे, देखिए तो लाइट ब्रेकिंग में ब्रेक कीजिए हल्का सा, ये देखिए ये जितनी इसमें सिमिलरिटी रहेगी, यानी लाइट एक्सेलेरेशन चल रहा है, तभी आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी एवरेज अच्छी नहीं दे रही है, मेरी गाड़ी में कोई कमी है, तो उसे इस पर्टिकुलर MID को स्टार्ट करके और इसे लगातार वॉच करना चाहिए कि उनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, क्या ये बार्स इक्वल चल रही है। अगर इक्वल चलेगी तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको बेटर आएगी आएगी,
और अगर आप हार्ड एक्सीलेट करेंगे, जैसे देखिए अभी थोड़ा हार्ड एक्सीलेट करता हूँ मैं, तो देखिए बार्स लंबी हो गई हैं, तो जितनी बार्स लंबी होंगी जितना ग्राफ चेंज होगा उतना फ्यूल एफिशिएंसी कम आएगी। नेक्स्ट करते हैं, ये है एनर्जी फ्लो जो कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया था, यहाँ पर भी नज़र आता है, तो कब ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन काम कर रहा है और कब टॉर्क असिस्ट फंक्शन काम कर रहा है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं इंजन पूरी तरह से व्हील्स को ड्राइव कर रहा है, अब जैसे ही रेस को छोड़ेंगे डी एक्सेलेरेट करेंगे तो देखिए ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन काम करना शुरू किया, ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। और जैसे ही ये बैटरी डिसेंटली चार्ज हो जाएगी वापस एक्सेलेरेट करेंगे, देखिए ये टॉर्क असिस्ट फंक्शन ने काम करना शुरू कर दिया। इसे एनर्जी फ्लो स्क्रीन कहते हैं, जिसमें एनर्जी फ्लो पता चलता है कि कब स्मार्ट हाइब्रिड फंक्शन काम कर रहा है और कब नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट फिर से स्टिक को प्रेस करेंगे और ये सारी स्टिक्स हमारी जो है जो MID टोटल कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से प्रेस करेंगे और ये वापस से हम उसी स्क्रीन पर फिर से आ गए। तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन था MID का। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा।